छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष राजेश अवस्थी ने गुरुवार को शहीद स्मारक स्थित निर्मित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर संस्कृति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। पदभार ग्रहण करने से पहले राजेश अवस्थी ने ऑफिस में ही पूजा अर्चना की और अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। अवस्थी को विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंट कर बधाई दिया। आपको बता दें कि सोमवार को राज्य शासन ने राजेश अवस्थी को छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के पद पर नियुक्त किया था। राजेश अवस्थी छॉलीवुड के कलाकार, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी हैं। अवस्थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा वे भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। राजेश अवस्थी ने बताया कि निगम में अन्य सदस्यों की नियुक्ति जल्द होगी। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों की दिशा सुधारने के लिए भी जो भी सुझाव आएंगे उस पर विचार किया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री पटरी पर आ सके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझ पर भरोसा किया है, और मैं चूँकि सभी कलाकारों के बीच का ही हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री का बीच का ही हूँ, उनका ही एक हिस्सा हूँ, तो मेरी जो जिम्मेदारी है वो मेरी बनती है कि मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करूँ। जो प्राथमिकताएँ थी जिसके लिए हम फिल्म विकास निगम का गठन चाहते थे, जो हमारा थिएटर का जो मांग था, जो कि ब्लॉक स्तर पे हमको थिएटर, जहाँ कलाकार दूर दूर से जो फिल्म देखने नहीं आ पाते शहर में, ऐसा थिएटर की हमको मांग थी, फिल्म सिटी की बनाने की मांग थी, और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति देश विदेश में पहुँचे। बहुत सारे प्रदेशों में बॉलीवुड की सिनेमा और बड़ी बड़ी सिनेमा जो है वो यहाँ पे शूटिंग होने के लिए आती है, तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी शूटिंग होने आए और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिले, यहाँ के कलाकारों को रोज़गार मिले, यहाँ के टेक्नीशियन को रोज़गार मिले। और जैसे कि यहाँ एक फिल्म बनी थी, ऑस्कर तक गई है वो फिल्म, तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी संभावनाएँ हैं, योजनाएँ हैं, इस योजनाओं पर काम करना मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा।